अगर हम पीछे देखें तो इंडिया में काफ़ी महान महान लोग रह चुके हैं जैसे कि आर्यभट्टा जी थे जिन्होंने जीरो दिया विच हैज़ हेल्प मैथमेटिक्स इन सो मैनी वेज एंड रामानुजन जी थे जिनकी जो थ्योरीज थी जो उनका काम था जो आज की डेट में ब्लैक होल की स्टडी में हेल्प कर रहा है बट इवेंचुअली uh, हम इंडिया से एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे हम इनोवेशन से थोड़ा डरने लगे हैं कतराने लगे और uh, अपना जो टाइम है या अपना पैसा भी अगर मैं बोलूँ तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि प्रूवन और सो ए, सेफ मैथड हैं था। तो ऐसा क्यों है और इस चीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं और यह हम यहाँ तक पहुँच कैसे गए आप जो बात कर रहे हो एक तो वो बहुत पुरानी बात कर रहे हो उस टाइम पे जो इंडिया का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम था जी। वो आज से बिल्कुल अलग था ये वाला जो एजुकेशन सिस्टम है ये ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें चेंजेस हो रहे हैं और उसी को मॉडिफाई करके हम आज मोर मोरलेस उसी को फॉलो कर रहे हैं सो so, जिसकी आप बात कर रहे हो उस टाइम पे क्या होता था गुरुकुल होता था वहाँ से जिसको जो चीज़ सीखनी है वो पूरी तरह से उसी पे फोकस करता था और सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था सेल्फ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था गुरु शिष्य का एक पर्सनल रिलेशनशिप होता था जहाँ से वो जा करके सीखते थे और प्रैक्टिकली समझते थे फिर देखते थे उनका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है जैसे किसी का आर्चरी में आ रहा है किसी का मैथमेटिक्स में आ रहा है किसी का किसी में आ रहा है किसी का किसी में आ रहा है तो वो उसी की डेप्थ में चले जाते थे फिर अगर आप हिस्ट्री में चले जाओ तो बहुत सारी इंडिया में ऐसी ऐसी लाइब्रेरीज होती थी अगर आप पढ़ोगे हिस्ट्री के जी, बारे में जिसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया जिसको जला दिया गया जहाँ पर इतनी नॉलेज थी जिसकी कोई हद नहीं है तो हमें ये तक नहीं पता है कि क्या क्या डिस्कवरीज़ हुई थी किस किस लेवल पे हुई थी उसका तो एक फ्रैक्शन है जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं एग्जैक्टली अब जैसे जैसे जो हिस्टोरियंस हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो डिग कर रहे हैं ज़मीन को तो जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं जो प्लानिंग थी उस टाइम पे दैट वाज सो एडवांस्ड के लोग देख करके चौंक रहे हैं कि अच्छा पाँच हज़ार साल पहले भी इस लेवल की प्लानिंग जहाँ पे पूरा इरिगेशन सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम और सिस्टमेटिकली पूरी सिटी को प्लान किया हुआ जिसको आज की डेट में हम स्मार्ट सिटीज बोलते स्मार्ट हैं cities. तो ये कॉन्सेप्ट अब आया है दुनिया में लेकिन ये इंडिया में आज से हजारों साल पहले भी था जी फिर धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आई फिर ये ब्रिटिशर्स आए फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो लोगों का जो माइंडसेट है वो नॉलेज से हट करके सर्वाइवल पे चला गया बेसिकली अब नॉलेज माइंडसेट क्या होता है टू गेन मोर एंड मोर ऑफ नॉलेज टू सीक नॉलेज टू डिस्कवर समथिंग to learn something, to create something, hmm. to share something, right. ये होता है नॉलेज माइंडसेट सेट और सर्वाइवल माइंडसेट क्या होता है कि भैया मेरे को एक सेफ और सिक्योर जॉब मिल जाए वो भी सरकारी नौकरी मिल जाए तो मजा आ जाए जहां से मेरी लाइफ और मेरे बच्चों की लाइफ सेट हो जाए राइट right. तो ये वाला जो माइंडसेट है जिसमें हम अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं yes. पैसे के लिए काम कर रहे हैं दिस इज बेसिकली फियर ड्रिवन राइट अब धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज हो रही हैं ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है बहुत कुछ चेंज हो गया है पिछले दस बीस साल में इंडिया में स्पेशली जो अर्बन सिटीज़ हैं वहाँ पर right. रूरल में अभी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी चेंजेस इतने नहीं हुए हैं और धीरे धीरे हो रहे हैं बट विद द एडवेंट ऑफ मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स और इंटरनेट अब सबके पास में एक्सेस है पूरे इंडिया में तो चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है लोग कुछ अलग अलग चीजें भी ट्राई कर रहे हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि आज की डेट में देखो कितने सारे करियर ऑप्शन लोग कितने अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं राइट right. हाँ अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका माइंडसेट वही है बीस साल पुराना तीस साल पुराना वही गिने चुने दो चार पांच ऑप्शन उनको समझ में आते हैं बट हैविंग सेड दैट एटलीस्ट अभी आज की डेट में बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो कुछ अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं right. जो आज से hmm. चालीस साल पहले नहीं होता था नहीं सोच पाते थे वहां पर एक आदमी का दिमाग एक ही लेवल तक चलता था आज बहुत कुछ हो रहा है बहुत कुछ अलग अलग चीजें हो रही हैं अलग अलग लेवल पे हो रही है तो आने वाले दस बीस साल बाद आप देखोगे बहुत कुछ बदल जाएगा अगर इंडिया की हिस्ट्री को आप देखोगे तो हम लोग जो है बेसिकली बाय आर वेरी नेचर एट अ वेरी डीपर लेवल वी आर ऑल सीकर हमारी कंट्री का नाम है भारत इसका मतलब होता है भारत भा भार मीन्स ट्रूथ सत्य रथ मतलब जो उसमें रमा हुआ है जो डेडिकेटेड है ट्रूथ को सीक करने में तो बेसिकली डीप विद इन ऑल सीकर्स हम जानना चाहते हैं सच जानना चाहते हैं उसी को नॉलेज कहते हैं उसी को ग्रोथ कहते हैं उसी को रियल लर्निंग कहते हैं तो ये ज्ञान वापस आ रहा है और आएगा ही क्योंकि डीप इन तो वो है ही सबके अंदर बट धीरे धीरे अब आप देखोगे ऐसे कुछ लोग आएंगे जैसे मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ ऐसे कुछ लोग और सोसाइटी में आएंगे करेंगे या आ रहे हैं तो धीरे धीरे जो लोग हैं उनकी थिंकिंग एबिलिटीज़ डेवलप होगी वो क्वेश्चनिंग करेंगे फिर वो सीख करेंगे अलग अलग करियर एवेन्यूज़ अलग अलग वेज़ ऑफ लुकिंग एट लाइफ अलग अलग वेज ऑफ लिविंग लाइफ हर चीज़ को क्वेश्चन करेंगे तो वो जो हज़ारों साल पहले था वो वापस आना है अगले दस बीस साल में तीस साल में आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर क्योंकि ये चेंज आ रहा है मैं यंगस्टर्स को जब देखता हूँ तो मुझे कुछ नजर आता है जी। जब मैं यंग स्ट्रेस को देखता हूँ तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि भी है आज की डेट में।, कि में कितनी सारी इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही है और कितने सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि हाँ जाओ अपने पैशन को फॉलो करो जी। तो ये सब बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है तो चेंज आ रहा है बट कि ओवरनाइट सब कुछ बदल जाएगा इट्स ग्रेजुअल प्रोसेस जी ये जो फियर ड्रिवन माइंड सेट है इसको बनने में मानो पाँच सौ साल लगे हैं हज़ार साल लगे हैं तो अब वो चेंज होने में बीस तीस पचास साल तो लगेंगे ना <laughs> तो वी नीड टू गिव दैट टाइम राइट राइट अगर मैं आज की बात करूँ आफ्टर सो मच एडवांसमेंट आफ्टर बींग की आज एक्सेस हर चीज़ की हर किसी के पास है एंड आफ्टर दिस पेंडेमिक एज वेल जिसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पुश कर दिया है एक ऐसे डायरेक्शन में जो पहले कन्वेंशनल नहीं था जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते थे बट स्टिल uh, अगर मैं देखूँ तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनका माइंड अभी उतनी तेज़ी से इवॉल्व या ग्रास्प नहीं कर पाया है इस चीज़ को तो ये जो एक माइंडसेट है लोगों का कि मैं अगर छोटे शहर से हूँ या मैं अगर गांव से हूँ तो मेरे लिए शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है मैं इसे इसके पीछे नहीं जा सकता मैं सीख नहीं कर सकता तो ये मैंटेलिटी या ये एक माइंड जो है इसको टैकल कैसे कर सकते हैं या फिर अगर हम मार्च स्केल पर कैसे लोगों तक पहुँच सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं है आपके लिए भी है हमें ना यहाँ पर एक बात को समझना होगा कुआं जो है वो प्यासे के पास नहीं जाता है प्यासा कुएं के पास आता है जी चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो दो तरह के लोग होते हैं हर जगह पर जी जी एक वो जो कुछ करना चाहते हैं अपने बेस पर आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में दूसरे जो नहीं करना चाहते हैं जो नहीं करना चाहते उनको जबरदस्ती तंग करने की कोई जरूरत नहीं है वो खुश हैं अपनी दुनिया में उनको खुश रहने दो दूसरी कैटेगरी है दैट इज करना, करना चाहते तो है। हैं तो उनके लिए अनलिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल है तो आप जो भी कर रहे हो अपने लेवल पे आप कर सकते हो उनको ऑफर कर सकते हो इन वॉट एवर बेस्ट वे यू कैन बट अल्टीमेटली चॉइस उनके हाथ में है कि वो क्या लेना चाहते हैं अब तो ये बेसिकली एक तरीके से आप ये कह लो समुद्र है राइट right, exactly, जो इंटरनेट है exactly. इसमें से कितना पानी कौन निकाल सकता है वो उस डिपेंड करता है तो मैं एक्चुअली वही एक की बात कर रहा था कि लोग अभी भी ये सोचते हैं कि शायद मेरे लिए नहीं है तो वही एक जो मेंटेलिटी है वो लोगों को स्विच करने में अभी भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है एक तकलीफ हो रही है या फिर नहीं कर पा रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं उसी को लेके एक्चुअली जानना चाहता नहीं 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 ऐसा नहीं है नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं हाँ वो कर रहे हैं जिनके पास एक्सपोजर है हम एक्सपोजर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए पर... एक्सपोजर तो सबके पास में है एक्सपोजर किसके पास में नहीं है ये भी सोचो ना क्योंकि आज की डेट में सबके पास में स्मार्टफोन है जी। तो उसमें क्या क्या अवेलेबल है सब कुछ ही अवेलेबल है और बहुत कुछ तो फ्री में ही अवेलेबल है उसके लिए पैसा भी नहीं चाहिए अगर कोई एक्चुअल में कुछ करना चाहता है तो फ्री में इतना कुछ अवेलेबल है जिसकी कोई हद नहीं है तो वो कहीं भी बैठे बैठे कुछ भी कर सकता है बट अगेन दो तरह के लोग आ गए ना एक जो करना चाहते हैं एक नहीं करना चाहते जो नहीं करना चाहते उनके आगे आप ले जा करके परोस भी दोगे ना जैसे प्लेट में रख करके जी। कि ये लो भाई साहब आपको बस ये खाना है वो कहेगा अरे भाई तू तो ही खिलाते कौन मेहनत करेगा कौन इसमें प्लेट में ये करके खाएगा मैं नहीं मेरे को कुछ नहीं करना जी। आप ही कर दो जी आप ही मेरा बेड़ा पार लगा दो इस तरह के भी माइंड वाले बहुत बैठे हैं जी कुछ ऐसा कर दो ना यार मुझे कुछ ना करना पड़े अपने बिना अपने कुछ करे ही सब कुछ हो जाए ऐसे लोग फंस जाते हैं शॉर्टकट में और यहाँ पे वहां पे क्योंकि ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं दुनिया में वो कहेंगे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है हम है ना <laughs> आ जाओ हमारे पास जुड़ जाओ हमारे से देखो हम तुम्हारे को संभाल लेंगे तो ये एक सेक्शन है सोसाइटी का जो था है और रहेगा और सिर्फ इंडिया में नहीं है पूरे वर्ल्ड में है जी। जो बेसिकली ट्रैप्स में जाकर के फंसते हैं जो गेट रिच क्विक स्कीम्स होती हैं वहां पर जाकर के फंसते हैं बट दूसरा जो मैं कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है लोग जो सेल्फ ड्रिवन है जिनके अंदर से आ रहा है कि मुझे कुछ करना है तो वो आएंगे ना आपके पास या मेरे पास या कहीं भी वो जाएंगे ना वही मैंने एग्जाम्पल आपको दिया ना कुआं क्यों जाएगा कुआं नहीं जाता प्यासे के पास में जिसको प्यास है वो आए जिसके अंदर नहीं है वो ना आए जी। अब जैसे मेरे जो सेशंस हैं वो फ्री में अवेलेबल है ना पूरी दुनिया के लिए जी, जी, जी। अब उसके बाद भी अगर कोई नहीं देखना चाहता तो okay. प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो आप जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं कितने हैं दो करोड़ इसका मतलब क्या है कि दो करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट तो है बट उसमें से एक्चुअल में कितने सीख रहे हैं कॉन्स्टेंटली हार्डली पांच लाख दस लाख इंटरनेट पे आप देखो जो कंटेंट है जिसमें एक इंसान का माइंड नहीं डेवलप होता है टाइम पास होता है उस पर कितने व्यूज़ हैं करोड़ों में हैं इससे क्या समझ आ रहा है नाइन्टी परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में कुछ करना ही नहीं है कुछ नया सीखना ही नहीं है अपने माइंड को डेवलप नहीं करना है माइंड को चेंज नहीं करना है जैसे लाइफ चल रही है बढ़िया है बस मोबाइल पर टाइम पास करना है और ये मैंने आपको दिया अपना एग्जाम्पल मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में हाँ। उन पर तो व्यूज़ और कम है उनकी वीडियोस पे जाकर देखो अच्छा कंटेंट है जी। बट जो रियल नॉलेज है जो लोग दे रहे हैं शेयर कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वहां पर आप जाकर देखो कितने व्यूज होते हैं दस हजार बीस हजार पचास हजार मैक्सिम एक दो लाख बस तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो साइकी क्या है ज्ञान मत दो ज्ञान मत दो सरदर्दी मत दो क्योंकि ये सब क्या है सरदर्दी है कुछ करना पड़ेगा ना इसको देखने के बाद बंदा आराम से जाकर के पॉपकॉर्न खा करके सो तो नहीं सकता ना बट मूवी देखी पॉपकॉर्न खाया सो गए खत्म कुछ करने की जरूरत नहीं है ये टिपिकल माइंडसेट है 90 लोगों माइंड और इसको कैसे चेंज करोगे मेरी समझ से परे है क्योंकि इससे ज्यादा आप करोगे क्या मुझे तो ये समझा दो स्कूल कॉलेज में भी फीस होती है एग्जैक्टली exactly. तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए तो जो पैसा खर्चेगा उसको पैसा चार्ज भी करना पड़ेगा एग्जैक्टली exactly. तभी तो आप दोगे उसको कुछ hmm. तो जो फ्री में ही कोई नहीं ले रहा तो पैसे के बाद <laughs> तो जी, जी, जी. So, जिनको कुछ करना है लाइफ में हाँ. वो कम थे कम है कम ही रहेंगे इसीलिए हर आदमी आगे नहीं बढ़ पाता ना जिंदगी में जी, वो ब्लेम करता है किसको ब्लेम करता है अपने सर्कमस्टानसेस को अपने बैकग्राउंड को लोगों को दुनिया को गवर्नमेंट को इकॉनमी को अपनी इंडस्ट्री को अपने बॉस को अपनी कंपनी को अपने फ्रेंड्स को अपनी फैमिली को अपने रिलेटिव्स को या और कुछ नहीं मिला तो अपने आप को ब्लेम गेम खेलता है एक आदमी उसमें क्या है उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है किसी पे भी ब्लेम डाल दो खत्म आप फ्री हो गए आप फ्री हो गए तो हर कोई फ्री रहना चाहता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जब आदमी करियर में आगे बढ़ जाता है उससे एक रिलेटेड है वो क्वेश्चन बेसिकली मेरा यह है कि एक टाइम के बाद में एक इंसान का करियर जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है ग्रोथ स्लो हो जाती है एंड अगर आप देखोगे तो एक ठहराव आ जाएगा एक स्टैगनेशन आ जाएगा और जनरली ये भी देखा जाता है कि उसी स्टेज पे इंसान को एनजाइटीज़ वग़ैरह होने लगती हैं उसे परेशानी होने लगती है कि ये क्या हो रहा है वो उस चीज़ को टैकल नहीं कर पाता है तो मेरा क्वेश्चन यही है बेसिकली कि अगर आपके करियर में ग्रोथ आ रही है एक स्लो डाउन शुरू हो गया है तो उसको आपको कैसे हैंडल करना चाहिए देखो लाइफ में हमको चैलेंजेस चाहिए बिना उसके हमें मजा नहीं आता जीने में एक फायर नहीं रहता कुछ भी नहीं रहता बोरिंग हो जाती है लाइफ आप जितना भी अभी अर्न कर रहे हो जहां से भी जितना भी मैं कहता हूं उसका डबल पैसा आपको मिलेगा आपको कुछ नहीं करना आपको एक साल तक यहाँ पर इस कमरे में बैठे रहना है या इस चेयर पर बैठे हो यहीं बैठे रहना अकेले कोई मोबाइल फोन नहीं कोई ये नहीं कोई टी नहीं कुछ नहीं बस बैठे रहना है मज़ा आएगा लाइफ को जीने में या एंजाइटी कम होगी या बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी मेरे साथ क्यों क्योंकि करने के लिए कुछ है ही नहीं सो so, जब एक इंसान एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाता है करियर में यानी वो मेंटली और फिजिकली सेटिस्फाई हो जाता है कि अब ठीक है लाइफ चल तो रही है ना पैसा है बढ़िया घर है बढ़िया गाड़ी है इसको आप ये कह सकते हो कि जब एक इंसान एक लाइफ में एक लेवल पे पहुंच जाता है और अपनी लाइफ की जो भी सिचुएशन है उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है क्योंकि लाइफ परफेक्ट तो कभी होती नहीं है एग्जैक्टली yes, exactly. अगर आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है आज से किस वे में हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज रिलेशनशिप वाइज माइंड वाइज किसी भी तरीके से करियर वाइज तो आपको नए नए चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा बिल्कुल okay. अगर नहीं है कोई चैलेंजेस तो खुद चैलेंजेस क्रिएट करने पड़ेंगे अपने लिए बिल्कुल तभी आप इंजॉय कर सकते अपनी लाइफ को बट अगर खाली हो गए हो यानी जो करना था वो कर लिया है तो अब आपकी ग्रोथ रुक गई है जहाँ ग्रोथ रुक गई है दैट पर्सन इज एज गुड एज डेड हाँ यहीं पहुँच जाता है इंसान एक टाइम बाद जनरली अगर आप देखेंगे तो चाहे आप इंसान का हो चाहे नेचर का हो पानी भी जब तक बह रहा है तब तक अच्छा है जहाँ पानी रुक गया है वहीं सड़ने लग जाता है बदबू आने लग जाती है गंदा हो जाता है बहता हुआ पानी साफ होता है तो ऐसे ही बहते रहना होता है लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना होता है ग्रो करना होता है अगर कोई चैलेंज नहीं है तो नया चैलेंज क्रिएट करना होता है टेकिंग रिस्क इन टू अकाउंट ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं चैलेंज के नाम पे, छत से जा कर के छलांग लगा रहे हैं आ, नया चैलेंज है जी <laughs> नहीं 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 प्रैक्टिकली स्पीकिंग रिस्क को समझ करके रिवॉर्ड को समझ करके अपने लिए नए नए चैलेंजेस क्रिएट करने होते हैं नए नए एवेन्यूज क्रिएट करने होते हैं अपनी स्किल को अपग्रेड करना होता है अपनी इंडस्ट्री को चेंज करना होता है कुछ नया करना होता है या उसी इंडस्ट्री में कुछ नया करना होता है या उसी कंपनी में कुछ नया करना होता है बेसिकली रेपिटिशन इज बोर्डम हाँ जब चीज़ें रिपीट होने लग जाती हैं तो बोरिंग हो जाती है सेम खाना अगर आप खाते रहो पूरे हफ्ते तक सेम ब्रेकफास्ट सेम लंच सेम डिनर अगले सात दिन तक फिर अगले तीस दिन तक फिर अगले एक साल तक क्या होगा दोबारा कभी नहीं खाऊंगा तो ऐसी ही लोगों की लाइफ हो जाती है बहुत लोगों की जी करियर के दो चार पाँच साल बाद सेम रूटीन सेम काम सेम सब कुछ और वो पसंद भी नहीं है बट कर रहे हैं क्या करें मजबूरी है जी तो ग्रोथ कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप खुश रहना चाहते हो जैसे खुशी कोई ऑप्शन नहीं है कोई चॉइस नहीं है वहाँ पर मैं आपसे पूछूं भाई खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो <laughs> क्या कहोगे या दुनिया में कोई भी क्या कहेगा अगर ऑप्शन मिले तो खुशी का ना खुशी ना। तो खुशी का कनेक्शन किससे है ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं खुशी का कनेक्शन एक तो जो आपके पास में है उससे आप सेटिस्फाइड हो राइट right. प्लस आप ग्रो कर रहे हो अभी दोनों चीजें देखने में अपोजिट भी लगती हैं लोग कहते हैं क्या हम सेटिस्फाइड हो जाए अपनी लाइफ से या ग्रो करें दीज आर नॉट टू अपोजिट थिंग्स सेम कॉइन बिना ग्रोथ के खुशी नहीं है सेटिस्फैक्शन नहीं है बिना सेटिस्फैक्शन के ग्रोथ नहीं है क्योंकि बिना सेटिसफैक्शन के या बिना खुशी के अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो एक्चुअल में ग्रोथ नहीं है बार बार से देखने में लगेगा हाँ ये बंदा तो बहुत आगे निकल गया दुनिया की नजरों में अंदर से तो दो कौड़ी का है वो उसकी थिंकिंग वाइज या जो भी उसकी हरकते हैं या जो उसकी सोच है तो मैं क्या कह रहा हूं इट इज चॉइसलेस नीड टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट इज वॉट वॉज एंड यू मस्ट भी लुकिंग अप टू द फ्यूचर कि फ्यूचर में मैं कुछ मीनिंग फुल क्रिएट करने वाला हूं ये मीनिंग भी आप खुद ही दे रहे हो अपने आपको एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है <laughs> अब मीनिंग क्या हो सकता है जो एक्चुअल में सोसाइटी की या तो नीड है yes. या आपकी नीड है yes. या जो करने में आपको अच्छा लगता है और किसी का कोई नुकसान नहीं होता है और बेटर स्टिल किसी का फायदा होता है तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बनता है बट इंट्रेंसिकली अगर आप देखोगे तो कोई मीनिंग नहीं है तो आप खुद अपने लिए मीनिंगफुल लाइफ क्रिएट करने का मतलब क्या पास्ट जैसा भी था था छोड़ दो उसको अभी जो है सो है अभी आई एम हैप्पी विद 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 लाइफ लाइफ सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड इज देयर क्योंकि मेरा ध्यान किस तरफ है जो है उस तरफ बट अभी में इससे काम नहीं चलने वाला क्योंकि हम जानवर नहीं है ना दिमाग तो है ही हाँ. खाली दिमाग शैतान का घर तो दिमाग को कहीं तो लगाना पड़ेगा ना तो कहां लगाओगे फ्यूचर में मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूं आई एम डूइंग समथिंग आई एम ग्रोइंग आई एम बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ दिस मस्ट कीप योर माइंड एंड योर बॉडी एंड योर लाइफ ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम राइट तो ये दो देखने में अलग अलग लग रहा है लेकिन अलग अलग नहीं है बिल्कुल ऐसे जैसे जागना और सोना hmm. अब आप पूछोगे यार कभी आप कहते हो जागो कभी आप कहते हो सो जाओ क्या इंपॉर्टेंट है मैं कहूंगा दोनों इंपॉर्टेंट है एक के बिना जी के दिखा दो आप कहोगे जाग करके भागना इंपॉर्टेंट है यानी काम करना या सोते रहना अरे भैया जागने के टाइम पे भागना यानी काम करना दिमाग लगाना आगे बढ़ना और सोते वक्त सब छोड़ देना दोनों इंपॉर्टेंट है ना जी। नहीं तो लाइफ पूरी नहीं हो पाएगी ऐसे ही अगर अभी जो आपके पास में है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो रोते रहोगे कभी नहीं हो पाओगे और अगर पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गए जो एक्चुअल में कोई नहीं है जो बाहर से बोलता भी है ना कि मैं सेटिस्फाइड हूं वो सेटिस्फाइड नहीं है वो उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अपनी लाइफ से वो कह रहा है कि हाँ ठीक है जो भी है सही है क्योंकि और के लिए कुछ करना पड़ेगा तो जो है सब बढ़िया है मैं खुश हूं अच्छा उसको बोलो तो खुश है ना एक काम करते हैं भाई तेरे को अभी जितना भी मिल रहा है जी। कमाई है तेरी दस हज़ार रुपये है बीस हजार है पचास हज़ार है अब एक लाख रुपए महीना हो जाएगी चाहिए नहीं चाहिए वो कहेगा हाँ चाहिए क्यों नहीं चाहिए उसको बोलो तेरे कोई ग्रैंड पेरेंट्स थे वो एक करोड़ रुपए छोड़ गए हैं चाहिए नहीं चाहिए या चैरिटी में देगा हाँ हाँ चाहिए चैरिटी में क्यों दूंगा तो इसका मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है फर्क समझ आया ना बिल्कुल बिल्कुल तो तो दैट दैट पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ही मोर और और की चाहत है तो अभी भी मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत अलग है इस दुनिया की अप्रोच से मैं क्या कह रहा हूँ जो है जितना है बहुत है और नहीं चाहिए तो अब सवाल उठेगा मैं काम क्यों कर रहा हूँ मैं जो भी कर रहा हूं कर क्यों रहा हूं बिकॉज करने में मजा आता है दैट इज वन राइट नंबर आई एम क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड मैं एक फ्यूचर को क्रिएट कर रहा हूं फ्यूचर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं बदल रहा हूं फ्यूचर मतलब दुनिया को बदल रहा हूं ये मेरी विजन है सिर्फ इंडिया को नहीं पूरी दुनिया को आने वाले तीस साल बाद पचास साल बाद सौ साल बाद पांच सौ साल बाद ये दुनिया कैसी होगी वो मैं देख पा रहा हूं तो वहां से मुझे एनर्जी मिल रही है इसके बदले में मुझे क्या चाहिए कुछ भी नहीं अलग हो गई ना अप्रोच जी लोगों का क्या है जो काम कर रहे हैं उसमें तो कोई पैशन है ही नहीं बस चाहिए सब कुछ है अब बात करते हैं सेटिस्फैक्शन की तो सब कुछ ही घूम गया ना सब कुछ ही उल्टा पुलटा हो गया बाहर से दिखाते हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं अंदर से कोई भी सेटिसफाइड नहीं है बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को देख लो जिसके बैंक अकाउंट में मानो मेरे से हज़ार गुना ज़्यादा पैसा है उनको भी जा कर के बोलो कि हाँ भाई इतने पैसे ले लो ये करना पड़ेगा हाँ बताओ ना क्या करना है क्या बेचना है क्या बोलना है तो उनके पास जो है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है hmm. उनको और चाहिए गए hmm. अब तो भिखारी के भिखारी रह गए ना एक सड़क के साइड में एक भिखारी खड़ा है जी. और वो है उनमें क्या फर्क है वो भी मांग रहे हैं वो भी मांग रहा है exactly. मैं क्या कह रहा हूँ इस इस भिखारीपन से फ्री हो जाओ मांगना ही बंद कर दो वो कब हो सकता है जब आपके पास इतना हो कि मांगने की जरूरत ही ना हो यू मस्ट हैव दैट फीलिंग ऑफ विद इन और वो कहां से आती है ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो आती है कैपेबिलिटी से अगर आज मेरे पास में जो भी कुछ है वो सब कुछ चला जाए मान लो लोगों की बोलने में हवा निकल जाएगी फाइनेंशियली जो भी कुछ मैंने कमाया है वो सब जीरो हो जाए कल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोबारा से खड़ा कर लूंगा एक दो साल के अंदर अंदर तो कोई फियर ही नहीं है इसलिए लालच भी नहीं है तो दैट कम्स विद कैपेबिलिटी अब कैपेबिलिटी कहां से आती है प्रैक्टिस से आती है दिमाग दौड़ाने से आती है एफर्ट करने से आती है स्मार्ट वर्क से आती है हार्ड वर्क से आती है सब कुछ मिला करके जो बनता है उसको बोलते हैं एक इंसान की कैपेबिलिटी उसका पोटेंशियल जिसमें पोटेंशियल होता है जिसमें दम होता है वो डर में नहीं जीता है ना वो लालच में इधर उधर भागता है तो जो इनसेक्योर होगा जितना अंदर से वो उतना ही ग्रीडी होगा बाहर से शो करेगा नहीं नहीं मैं तो कंटेंटेड हूं हुँ. अंदर से ग्रीडी है मुझे जॉब मिल गई है मैं सेटिस्फाइड हूं ये मेरी ड्रीम जॉब थी मुझे मिल गई है लेकिन टेबल के नीचे से पैसे मिले तो मैं तैयार लेने के लिए तो तू सेटिफाइड कहां से आती है जब आपकी जो जरूरतें हैं वो बहुत कम होती है जब आपकी लाइफ सिंपल होती है जब आपके खर्चे आपकी कमाई से बहुत कम होते हैं कमाने का पोटेंशियल है आपका अनलिमिटेड खर्चे हैं आपके बहुत ही लिमिटेड अब आप इस पैसे की पूरी गेम से फ्री हो गए राइट right. अब गेम कौन सी रह गई सेल्फ ग्रोथ सेल्फ ग्रोथ वो कहां से होती है नए नए चैलेंजेस डेली राइट right. लाइफ में रोज एक नया चैलेंज रोज कुछ नया नया सीखने के लिए नया करने के लिए प्लस फ्यूचर की एक ऐसी विजन जहां पर आपको क्लियर नजर आ रहा हो कि पांच साल बाद दस साल बाद ये होने वाला है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस उसमें किक ये नहीं दे रहा आपको कि इतना पैसा आ जाएगा ना

यानी पास से फ्री हो गए फ्यूचर की एक विजन है दैट टू रिलेटेड टू द थिंग दैट यू आर डूइंग वो विजन आपको भगा रही है नॉट द मनी नॉट द आउटकम और आज मैं आपको जीने में मजा आ रहा है अब आप गुजरे हुए कल से भी फ्री हो आने वाले कल से भी फ्री हो क्योंकि आप जो क्रिएट कर रहे हो वो क्रिएशन अपने आप में कंप्लीट है ऐसा नहीं उसको दस साल लगेंगे कंप्लीट होने में वो अभी ही कंप्लीट है दिस इज माई वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ दिस इज माई वे ऑफ लिविंग लाइफ I hope you got all the answers yes. for the questions that you yes, asked. Yes, yes. Wish you all the best. Thank you.